जय जगन्नाथ। चैनल तरफ समस्त को नमस्कार। आशा करे समस्ते भल रहे। आसतु एबे किछि रिक्रुटमेंट विषय रे आलोचना करिबा एवं ए आलोचना माध्यम रे जो माने एलिजिबल थिबे से माने अप्लाई करि परिबे। अप्लाई करिया पई हेले कोन कोन क्राइटेरिया तार डिटेल्स मु एबे आपन मानन को कहिबे। एतरे आपन माने एलिजिबल थिले अप्लाई करि परिबे। वीडियो देखिबा आगरु समस्त को गोटे रिक्वेस्ट रहिबो, जो माने वर्तमान सुधा चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु। एही चैनल रे अपलोड होतवा समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन फर्स्ट पाइजिबे। आसंतु एबे आमे डिटेल्स देखिबा। देखंतु ए जो वैकेंसी टा बाहरी छि बा रिक्रूटमेंट जोंटा हबो सेटा होची ओएचपीसी रे अर्थात ओडिसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एवं एथरे जो माने अप्लाई करिवे से माने केवल ओडिसा पिला हितवा दरकार। ओडिसा बाहर पिला अप्लाई करि परिवे नाही, अर्थात जो पिला माने उड़िया कही पारे लिखि पारे पढ़ी पारे से ही पिला केवल अप्लाई करेंगे। ये देखो जो वैकेंसीटा बाहर वैकेंसी रो नोटिफिकेशन होता 4/8/2023 एडवर्टाइजमेंट एवं एथरे देखु कौन रही ना टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव टीएनई एवं टीएनई जोटा रोचे एथरे कौन कौन पिला अप्लाई करें। जो पिला माने आईटीआई पास करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर ईआई इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन बा मेकानिकल ट्रेनिंग जेटा होची मेकानिकल फिटर थिबे फिटर वेल्डर पिला क्रेन ऑपरेटर पोस्ट पाई अप्लाई करि परिबे। वायरमैन ट्रेनिंग एवं स्टोर कीपर पाई क्वालिफिकेशन टा रहउची ग्रेजुएशन बा कॉमर्स पास करथिबे। से माने ग्रेजुएशन विथ कॉमर्स पास करथिबे किंतु बाद बाकी ट्रेड वर्क रे रहिची जो पोस्ट गुडा से आईटीआई ट्रेड करथिबे पिला माने अप्लाई करि परथिबे। एटी देखंतु ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट रही 17/8/2023 लास्ट डेट रही 14/9/2023 अर्थात बहुत दिन टाइम रोचे। तो जो पिला माने अप्लाई करिवे से माने तांकर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखी अप्लाई करिवे एवं ता सहित एग्जाम टा देखंतु परफेक्ट डेट आसी नै किंतु डेट आसी जीवो जोटा कि अक्टूबर नले नवंबर रे ही एग्जाम हबो। एवं एग्जाम टा हबो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो पिला माने अप्लाई करिवे से माने सीबीटी पाई मध्य एते दिनु प्रिपेयर नहीं नियंतु कारण एटा अगस्त मास सेप्टेम्बर 14 तारीख लास्ट डेट जीवो गुटे मास होची अक्टूबर बा नवंबर दुई मास गुटे मास दुई मास टाइम मिलिबो। तो गुटे मास धरी पिला माने माने प्रिपेरेशन टा स्टार्ट कर दबा भलो। एटी आसंतु कोन पोस्ट पाई कोन क्वालिफिकेशन माने कोन ट्रेड पिला अप्लाई कर परबे सेटा देखबा। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग एटी देखंतु इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग जेटा इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन एथरे वैकेंसी रोची टोटल 81 एटी देखंतु 32टा एसटी एससी होची 9टा एवं एससीबीसी 5टा यूआर होची 35टा ता भितरे एसटी रे वुमेन 10 एससी रे वुमेन 3 एससीबीसी रे वुमेन 2 एवं यूआर रे वुमेन होची 12टा सीट रोची एटा रिजर्व एवं 81टा भितरु पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडिकैप पिला 3 एक्स सर्विसमैन 2 एवं स्पोर्ट्स पर्सन गुटे पोस्टिंग रहिबे। तापर रहउची मेकानिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर एटी फिटर पिला अप्लाई करि परिबे। एटी 12टा रहउची वैकेंसी एसटी पई 4टा वुमेन एससीबीसी गुटे यूआर कैटेगरी रहउची 26टा वुमेन 9 टोटल रहउची एटी 39टा वैकेंसी। वेल्डर ट्रेनिंग एटी देखंतु एसटी रे गुटे एससी रे गुटे यूआर रे गुटे टोटल 3टा सीट रहउची। क्रेन ऑपरेटर एथरे 8टा सीट। वायरमैन ट्रेड रे रहउची 9टा वैकेंसी। स्टोर कीपर ट्रेनिंग जेटा एथरे 10टा वैकेंसी। टोटल एमती देखिए यहाँ देखा पाई गले 150टा वैकेंसी रही केवल आईटीआई पिला मानक 140 एवं 10टा रोचे स्टोर कीपर एवं ये स्टोर कीपर जेटा से ग्रेजुएशन पिला माने अप्लाई करि परिबे। एटी देखंतु प्रथम गोटे वर्ष ट्रेनिंग रहइबो ट्रेनिंग रे 22,700 टका मिलिबो। तापर गोटे वर्ष ट्रेनिंग कंप्लीट हेला परे तांको मेन बेसिक को आसी जिवो। मेन बेसिक रहउछि 25,500 रु 81,100 टका मिनिमम बेसिक स्टार्ट हबो होछि 25,500 रु। एटी देखंतु ए जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग मेकानिकल ट्रेनिंग वेल्डर ट्रेनिंग क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग वायरमैन ट्रेनिंग स्टोर कीपर ट्रेनिंग जो माने रहउछन्ति एमाने कर समस्तंकर स्टाइपेंड रहउछि 22,700 एवं बेसिक पे स्टार्ट हबो गोटे वर्ष कंप्लीट होला परे 25,500। एवं जो पिला माने अप्लाई करिवे सिलेक्शन होला परे तांको स्टाइपेंड सहित 200 टंका गोटे एडिशनल अमाउंट मिलिबो। ता सहित जो माने बाली मेला एवं
ए मुखीगुड़ा एरिया रे जो मानकर पोस्टिंग हबो तांको एडिशनल 500 टका पुनी मिलिबो एवं ट्रेनिंग टा रहूची गुटे वर्ष एवं ए गुटे वर्ष परे जो तांको सर्विस पीरियड रहइबो सर्विस पीरियड रो किछि तांकर एग्रीमेंट मध्य बोंड रहइबो 3 इयर्स रो बोंड गुटे रहूची तापर एठी देखंतु इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ईआई इलेक्शन वायरमेन माने पई कोन क्वालिफिकेशन इति दरकार हाई स्कूल एवं इलेक्शन हाई स्कूल पास करथिबे ता सहित इलेक्शन ट्रेड रो आईटी करथिबे एवं जो माने अप्रेंटिसशिप करथिबे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जहाँ पाखे थी तांको फर्स्ट प्रिफेयर दिया जीवो एटी देखंतु एनसी इलेक्शन ट्रेड फ्रॉम एनसीबीटी विल बी प्रिफेयर अर्थात जो मान को पर एनएससी सर्टिफिकेट थी तांको फर्स्ट प्रिफेयर टा दिया जीवो मेकानिकल ट्रेनिंग एटी आईटीआई पास करथिबे फिटो ट्रेड रे एवं फिटो पिला अप्लाई कर परबे ता सहित एनएससी थिले भलो जेटा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वेल्डर ट्रेनिंग सेमिति आईटीआई वेल्डर पास करथिबे वेल्डर ट्रेड रे ता सहित एनसी जेटा एनएससी सर्टिफिकेट थिले बहुत भलो एनएससी सर्टिफिकेट थिले तांको फर्स्ट प्रिफेयर टा दिया जीवो क्रेन ऑपरेटर एटी रहिछि क्रेन ऑपरेटर पई देखंतु क्रेन ऑपरेटर पई दुई टाइप रो क्वालिफिकेशन मागिछि गोटे होछि 10th पास करथिए वर्कमैनशिप परमिट गोटे तांको पाखरे सर्टिफिकेट लाइसेंस थिबो लाइसेंस अथॉरिटी पाखरु वर्कमैनशिप परमिट गोटे मिले आउ मिनिमम 5 वर्ष से ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन से गोडा करो 10 टन रो लोड से जेंति 5 वर्ष एक्सपीरियंस थियो किंबा आईटी पास करथिए मोटर मेकानिक एवं क्रेन ऑपरेटर अर्थात जदि आईटी पास करथिए मेकानिक मोटर मेकानिक एवं क्रेन ऑपरेटर ताले तांको आ ए एक्सपीरियंसटा किछि दरकार पड़िबो नाही तापर वायरमैन टा से जेंति आईटी रे पास करथिए वायरमैन ट्रेड ता सहित एनएससी सर्टिफिकेट थिले आहुरी भलो स्टोर कीपर पई एठी देखंतु जो स्टोर कीपर रहिछि एठी रहिछि कॉमर्स ग्रेजुएट किंबा 1 इयर डिप्लोमा कॉमर्स ग्रेजुएट थिबो 1 इयर डिप्लोमा ता सहित थिबो जोटा कि होछि कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन उपरे तंकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहितबा दरकार मिनिमम एज मागिछि 18 वर्ष एवं मैक्सिमम होछि 38 सेटा कोन डेटटा कट ऑफ डेट 1/8/2023 अर्थात 1/8/2023 को 18 वर्ष होइतिया दरकार एवं 38 वर्ष बयस भितर होइतिया दरकार 38 रु प्लस हेले हबो नाही ता सहित एससी एसटी एससीबीसी वर्कमैन एक्स सर्विसमैन ए माने तांकर जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो रहिछि एज रिलैक्सेशन सेटा से माने पाइ जिवे एवं एटी देखंतु पिला माने जो माने अप्लाई करिवे से माने एटा मध्ये भलो भाबे जानि नबा दरकार तांकर एप्लीकेशन फीटा केते आसीबो एवं एप्लीकेशन फी सहित एग्जाम जो हम एग्जामा भी कौन रोचे से जानियो एग्जामा देखो जो सीबीटी हम टोटल 120 क्वेश्चन पार्ट वन रोचे रोज 40 पार्ट टू में रोज 80 क्वेश्चन पार्ट वन जो रोचे से जेनेल आप्टीच्यूड जो रोचे क्वांटिटेट आप्टीच्यूड रिजनिंग इंग्लीश जेनेल एवारने युवाक रोज पार्ट टू में केवल तक सब्जेक्ट उपयोग किसी भूल रोचे क्वेश्चन गुड़ाक जदि एनसर भूल कर चार्टा भूल कले गोटे मार्क काट अर्थात गोटे जब भूल कर 0.25 मार्क होछि तांकर नेगेटिव मार्कटा आसीबो एवं सेंटर ओडिसा रो विभिन्न जगार रहुछि जेमिति भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर ब्रह्मपुर बालेश्वर ए सबु सहित आउ किछि जगह मध्ये हि पारे एग्जामिनेशन सेंटर एवं एप्लीकेशन पई देखंतु एप्लीकेशन फी रहुछि 500 टका एससी एसटी एवं फिजिकल हैंडीकैप्ट पई 5 किछि टका दबा पई पडिबो नाही एवं जेतेले पिला माने अप्लाई करिवे जो पिला माने अप्लाई करिवे से पिला माने किसी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे सेटा इमेज हिसाब से भी किसी डॉक्यूमेंट्स रोचे आउ ऑनलाइन रे एप्लीकेशन करने www.ohpcltd.com यही वेबसाइट रे पिला माने अप्लाई करिपारिबे एवं उड़िया जो पिला माने केवल उड़िया कहते उड़िया पढ़ी पारे उड़िया लिखी पारे पाखे सर्टिफिकेट थी क्लास 7 कि 10th रो मार्क 10th रो जो रिजल्ट रे फर्स्ट लैंग्वेज उड़िया थी से पिला माने ही केवल अप्लाई कर पारे अन्य स्टेट पिला अप्लाई कर पार ना तो ओडिशा पिला सुवर्ण सुजोग जो पिला एलिजिबल से अप्लाई करें आशा करे इनफर्मेसन टी पाखे पहुँची पार्थ थैंक यू जय जगन्नाथ।